देखो, हम लोगों ने इसके पहले अर्थशास्त्र की परिभाषा, उसका स्वभाव और विषय क्षेत्र, इसको विस्तार से पढ़ा है। जैसा मैंने आपसे कहा कि आपके एडवांस्ड इकोनॉमिक थियोरी के कोर्स में तो ये प्रेस्क्राइब्ड नहीं था, लेकिन फिर भी प्रारंभ करने के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन एक बार रिवाइज करने में कोई बुराई नहीं थी। आज हम लोग उपयोगिता विश्लेषण, जो हमारा वास्तव में मुख्य अध्याय है, उसको प्रारंभ करेंगे। और उसका हम सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसको हम वांट्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, आवश्यकताएं और उनकी विशेषताएं के नाम से जानते हैं। जैसा हमने आपसे बताया है कि ये सारी क्लास आपकी ऑनलाइन भी है और साथ का नोट्स भी इसमें उपलब्ध है। जानबूझ करके नोट्स लिखा गया है ताकि आपको चीज़ें समझने में, रिकॉल करने में या बाद में पढ़ने में दिक्कत ना हो। जब आप सुनेंगे दोबारा तो स्क्रीन पर आपको वो नोट्स भी दिखाई पड़ेगा। एक बार हम जानबूझकर आपको इसलिए पढ़ देते हैं कि कहीं आपको देखकर पढ़ने में कोई असुविधा ना हो। तो अगर हम वांट्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखें तो प्रत्येक व्यक्ति की व्यस्तता का प्रमुख कारण उसकी आवश्यकताएं हैं। सामान्य तौर पर चाहत, डिज़ायर, इच्छा, वांट, आवश्यकता, नीड तथा मांग, डिमांड को एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है, परंतु तकनीकी रूप से प्रभावपूर्ण चाहत को आवश्यकता कहते हैं, और जब उसमें समय और कीमत को सम्मिलित कर दिया जाता है तब वह आवश्यकता मांग में परिवर्तित हो जाती है। मांग में 5 तत्व सम्मिलित हैं: इच्छा, इच्छा को पूरा करने के लिए साधन, साधन को व्यय करने की तत्परता, समय और कीमत। अब आप देखें कि किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की चाहत को इच्छा कहते हैं। इसका मतलब यह है कि आप किसी भी बात को, किसी भी चीज को, किसी भी उद्देश्य को पाने की इच्छा कर सकते हैं ना, क्योंकि इच्छा करने पर किसी का कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन वह इच्छा जब तक प्रभावपूर्ण, जब तक आपकी वह चाहत नहीं होगी, इतनी प्रभावपूर्ण चाहत हो कि वह आपकी आवश्यकता बने, और वह तब होगा। जैसे आप चाहते हैं कि आप IAS बने, सोचने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, सोच सकते हैं, कौन मना करता है, लेकिन उसके लिए अनिवार्य है कि आपके की यह इच्छा प्रभावपूर्ण हो। कैसी हो? इफेक्टिव डिज़ायर हो। ये फॉर टाइम बीइंग उत्पन्न न हुई हो, अचानक किसी का इंटरव्यू देखा हो, मन में आया हो मैं भी बनूंगा, ऐसा नहीं है। आपके बिल्कुल बहुत ही विधिवत सोच का परिणाम हो, आपकी इच्छा बिल्कुल बलवती हो, प्रभावपूर्ण हो, IAS बनने के लिए आपके पास पर्याप्त संसाधन भी हो, और उससे बड़ी बात यह है कि आप उस साधन को व्यय करने के लिए तत्पर हों, अर्थात पैसा रुपया तो खर्च करेंगे ही, 24 घंटे का जो टाइम मेरे पास है उसे भी कहाँ खर्च करेंगे, पढ़ाई में, सिनेमा पर नहीं खर्च करेंगे ना। तो साधन को व्यय करने की तत्परता, ये तीनों जब मिलते हैं तब आपकी इच्छा आवश्यकता बनती है, तब आपकी IAS बनने की जो इच्छा है वो कैसी हो जाएगी, अब आपकी आवश्यकता हो जाएगी। इसके साथ साथ जब हम मांग की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप कॉफ़ी पीना चाहते हैं, कॉफ़ी पीने की आपकी इच्छा बहुत तीव्र है, आपके जेब में पैसा भी है, आप उसे खर्च करने को तैयार भी हैं, आपकी आवश्यकता हो जाएगी। अब जब आप अनुपम की दुकान पर पहुँचे तो आपने कहा कि एक कप कॉफ़ी चाहिए, अब उसने कह दिया कि एक कप कॉफ़ी तो 10 रुपये की है, और आपको पता था कि कल तो कॉफ़ी 8 रुपये में थी और आपकी जेब में 8 रुपया था, और आप कॉफ़ी पीने के लिए बहुत तीव्र इच्छा रख रहे थे, अब क्या आप पी पाएंगे जब 10 रुपये हो गया और आज की डेट में कॉफ़ी का मूल्य? तो इसका मतलब कॉफ़ी आपकी मांग तब बनेगी जब आपको समय के साथ कीमत की भी जानकारी होगी। इसका मतलब कि आपकी प्रभावपूर्ण चाहत हो इच्छा के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए पर्याप्त साधन हो, उससे महत्वपूर्ण है कि आप उसे व्यय करने को तत्पर हों,
और उसके बाद समय आपको पता हो और उसकी कीमत भी आपको पता हो, ये सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं तब हम कहते हैं कि ये मांग है। इसका मतलब हम आम बोलचाल की भाषा में भले इच्छा, आवश्यकता, चाहत और मांग को एक दूसरे के पर्याय के रूप में इस्तेमाल कर रहे हों, सच्चाई ये है कि वो टेक्निकली सभी एक दूसरे से डिफरेंट हैं और मांग में सब समाहित हैं। मांग सबसे व्यापक अवधारणा है। जब हम आपसे पूछते हैं कि आपके घर में कितने किलो गेहूँ की मांग होती है, आप कहते हैं साहब 1 क्विंटल। क्या ये मांग की सही परिभाषा है? 1 क्विंटल रोज खाते हो, महीने भर में खाते हो कि साल भर में खाते हो? क्या किसी भी कीमत पर तुम 1 क्विंटल खाओगे, चाहे 20 रुपया किलो हो, चाहे 2000 रुपया किलो हो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसलिए पूरा सेंटेंस ये होगा कि यदि गेहूँ इतना रुपये किलो मिलता है तो प्रति महीने मैं इतना खाता हूँ, तब जाकर के वो मांग की सही परिभाषा होगी या वो सेंटेंस सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसके बाद हम आवश्यकताओं को धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा भौगोलिक तमाम पर्यावरणीय तमाम कारण प्रभावित करते हैं। हमारी आवश्यकता, जैसे ये स्वेटर हमको जरूरत थी क्या गर्मी में, लेकिन जाड़े में बहुत ज़रूरत है, तो इसका मतलब कि सीजन बदला, हमारी आवश्यकता बदल गई। तो धार्मिक कारणों से, आर्थिक कारणों से, भौगोलिक कारणों से, राजनीतिक कारणों से, तमाम कारणों से हमारी आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, अर्थात वो सारे कारण आवश्यकताओं को प्रभावित करते हैं। आवश्यकताओं की विशेषताएं, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका यही है, क्योंकि इन विशेषताओं पर ही अलग अलग सिद्धांत बने हुए हैं। आवश्यकता की पहली विशेषता है कि आवश्यकताएँ अनंत होती हैं। अनंत का मतलब है कि आप जैसे ही अपनी एक आवश्यकता पूरी करते हैं वैसे ही दूसरी आवश्यकता जन्म ले लेती है। इसीलिए आप ध्यान दें कि दो चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं, संतुष्टि और सुख। हम जब भौतिकवाद की बात करते हैं तो इसका संबंध संतुष्टि से, और जब हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बात करते हैं उसका उद्देश्य सुख से है। संतुष्टि की स्थिति में आप किसी वस्तु को प्राप्त करते हैं, तुरंत आप संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन अगले ही क्षण पुनः आपके मन में दूसरा कोई न कोई उद्देश्य उत्पन्न हो जाता है और आप उसके लिए बेचैन हो जाते हैं। और सच्चाई ये है कि ये बेचैनी ही भौतिक दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विकास के लिए आपका बेचैन होना और असंतुष्ट रहना बहुत ज़रूरी है। तो अब एक तरफ देखिए कि विकास के लिए असंतुष्ट रहना ज़रूरी है और सुखी रहने के लिए संतोषम परम सुखम, तो आपस में एक तरह से विरोधाभास है ना, कि अगर विकास चाहते हैं तो संतुष्ट नहीं होना है और सुखी रहना चाहते हैं तो संतुष्ट रहना है, तो आप क्या करेंगे? इसका मतलब है कि हमारा उद्देश्य बैलेंस बनाए रखना है, पूरी तरह संतुष्ट भी नहीं होना है और पूरी तरह असंतुष्ट भी नहीं होना है। इसलिए कहा जाता है कि जीवन सफल होने से ज़्यादा जरूरी संतुलित होना है। जीवन में सफलता का उतना महत्व नहीं है जितना महत्व संतुलित जीवन का। सफलता का मतलब क्या है? सफलता का मतलब किसी आपके निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त कर लेना। सफलता कोई बिंदु थोड़े है कि आप अपने कह दिया कि ये पा जाते तो सफल हो गए। जैसे तुम लोग IAS बनना चाहते हो, मान लो इनकेस IAS बन गए तो तुम अपने को क्या मानोगे? सफल मानोगे। अगर तीसरे दिन भ्रष्टाचार में सस्पेंड हो गए तब और जेल चले गए तब क्या होगा? इसका मतलब है कि IAS होना सफलता का बिंदु नहीं है। किसी भी बिंदु को प्राप्त करके उस पर बने रहना वास्तव में ज्यादा जरूरी है। तो सफलता से ज्यादा संतुलित जीवन है। आप IAS बने, IAS बनने के बाद आपसे समाज भी खुश हो, सरकार भी खुश हो, आपका परिवार भी खुश हो, आप भी खुश हो, और इन सब में अगर आप संतुलन बना रख पाते हैं देन यू विल बी ए सक्सेसफुल पर्सनैलिटी। तब कहा जाएगा, और वो भी कब निर्धारित होगा? जब मर जाएंगे। हाँ, और क्या, क्या पता, किसको पता कि 70 साल में आसाराम जेल चले जाएंगे? भाई 70 साल तक तो बहुत पॉपुलर थे, लोग पूजा कर रहे थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे ना। अगर 2 साल पहले मर गए होते तो इमेज उनकी बची रह जाती कि नहीं बची रह जाती? तो आखिर उनको इस उम्र में आकर के यह दुख झेलना था, तब तो उनके ऊपर ये आरोप लग गए ना। तो इसका मतलब आपकी सफलता कब निर्धारित होती है? जब मर जाते हैं। अगर जिंदा हैं तो गलती से मत कहिए कि सफल है
क्योंकि कब छड़ी घूम जाए भगवान की कोई जानता होता नहीं, नहीं है। ये वास्तव में प्रैक्टिकल है कि हमको हमेशा संतुलित जीवन पर फोकस करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हमारे सारे पार्ट, जैसे आपकी किसी एक उपलब्धि को कभी भी सफलता से मापा नहीं जा सकता। पता चला कि आप बहुत बड़े अधिकारी हो गए, आप बहुत सफल हैं, आपका राजनीतिक जीवन सफल है, सामाजिक जीवन सफल है, आपको लोग बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपका बेटा वो दारूबाज निकल गया। अब आप क्या करेंगे? अब अपनी लाइफ को कैसे आप देखेंगे कि सफल है क्या सफल है? आपको पूरी दुनिया प्रेम करती है लेकिन आपकी बीवी तलाक लेने के लिए उतारू है, हम तो वैसा द्रावे नहीं करेंगे। ये बड़े प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं जिनसे आप यह तय कर सकते हैं कि सफलता की परिभाषा क्या है। वास्तव में सफलता की कोई परिभाषा नहीं है, और वह संतुलित जीवन जीने को ही वास्तव में जीवन कहते हैं, जहां आपसे काम भर के सभी लोग अगर खुश न रहें तो कम से कम नाराज ना हों। खुश तो कोई हो नहीं सकता, इसलिए बहुत ज़्यादा खुश करने पर प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यह है कि लोग नाराज ना हों, और कम से कम अपनी जानकारी में तो किसी को दुख आप न पहुँचाएँ। वैसे लोग नाराज भी रहें चलेगा, कोई बहुत मतलब नहीं है, लेकिन आप ये खुद अपने विवेक से तय करें कि हमारे व्यवहार से किसी को भी किसी तरह कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, बस इतने से मतलब है। ठीक है, तो इसलिए आवश्यकताएं अनंत हैं, एक आवश्यकता पूरी होती है तुरंत दूसरी इमर्ज कर जाती है। यही कारण है कि हम साइकिल से स्कूटर पर, स्कूटर से गाड़ी पर, गाड़ी से हवाई जहाज पर, हवाई जहाज से फिर अंतरिक्ष में, और आज कहाँ कहाँ। अगर हम साइकिल से संतुष्ट हो जाते, अरे यार बड़ा बढ़िया है, पैदल चलते थे अब तो बहुत तेज चल रहे हैं, इससे अधिक जाने की जरूरत नहीं है, तो शायद फिर और कोई विकास नहीं होता। तो इसलिए प्रगति का नियम जो बना वह इसी पर आधारित है कि आवश्यकताएं अनंत हैं। और मजे की बात यह है, अच्छी बात भी है कि आप एक जब और एक किसी खास आवश्यकता को आप संतुष्ट कर सकते हैं, जैसे भूख लगी खाना खा लो, भूख तुरंत क्या हो जाएगी? खत्म। अगर ऐसा होता कि भूख लग गई अब खत्म नहीं होगी, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, एक कुंटल दो कुंटल तीन कुंटल चार कुंटल, तब क्या होता? तब तो ऐसी स्थिति में एक आदमी पूरे देश का खाना खा जाता फिर। लेकिन सौभाग्य से ऐसा नहीं है, ऐसा है कि हम जैसे ही भूख लगती है थोड़ा एक रोटी दो रोटी खाते हैं, हमारी भूख जो है शांत हो जाती है। तो आवश्यकता विशेष की संतुष्टि संभव है, ये बहुत बड़ी बात है, और इसकी वजह से हम लोग सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का निर्माण करते हैं। अगर हमारी भूख न खत्म होती तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कैसे काम करता, घटता ही नहीं। तो इसलिए, और तीसरा, आवश्यकताएं प्रतियोगी होती हैं। बहुत सारी आवश्यकताएं जब एक साथ आपके सामने होती हैं तो उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा होती है, तो आप ये चुनाव करते हैं कि कौन सी पहले पूरी करें कौन सी बाद में पूरी करें। तो आपस में प्रतिस्पर्धा करने के कारण हम उस पर सम सीमांत उपयोगिता का नियम उत्पन्न होता है, या फिर दोनों को कैसे संतुलित तरीके से उपभोग करें हमको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। आप देखते हैं सम सीमांत उपयोगिता का नियम ये किस पर आधारित है, ये इस बात पर आधारित है कि आवश्यकताएं आपस में प्रतिस्पर्धी होती हैं। ठीक है, इसके अलावा आवश्यकताएं पूरक होती हैं, बहुत सारी आवश्यकताएं हैं जो पूरक होती हैं, जैसे कलम और स्याही, दोनों की ऐसी है, स्याही भी चाहिए आपको कलम भी चाहिए, दोनों साथ ही जरूरत है, अकेले अकेले दोनों की कोई आवश्यकता या उपयोगिता नहीं है। तो इसको इसके आधार पर हम संयुक्त मांग का सिद्धांत बनाते हैं, थ्योरी ऑफ जॉइंट डिमांड हम पढ़ते हैं। ये आवश्यकताएं धीरे धीरे आदत बन जाती हैं, ये भी इनकी विशेषता है कि आप बहुत सारी आवश्यकताएं जब रूटीन में पूरा करते हैं तो आपकी वो आदत बन जाती हैं। आदत का क्या मतलब होता है? आदत का मतलब होता है कि जो काम आप बिना सोचे समझे करते हैं, जिसके बगैर आप बेचैन हो जाते हैं। आदत का मतलब है कि आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, जैसे सुबह चाय पीना आपकी आदत में शामिल है, सो उठते हैं तो आपको सबसे पहले क्या समझ में आता है? कुछ लोगों को नहीं पाए तो सर दर्द शुरू हो जाएगा, बीमार हो जाते हैं, बहुत तरह की दिक्कत हो जाती है, बहुत सबको नहीं होता लेकिन कुछ लोगों को, जैसे एडिक्शन भी सबको नहीं होता, ये एक तरह से बॉडी को अगर आप, और ये केवल ऐसा नहीं कि केवल सिगरेट का, शराब का या किसी नशा का ही एडिक्शन होता है, बहुत लोगों को किसी भी चीज़ का हो जाता है। बहुत लोग मीट खाते हैं, बहुत मीट खाते हैं, रोज़ खाते हैं, नहीं पाते हैं तो पागल हो जाते हैं, वो भी एडिक्शन है, यद्यपि वो कोई ख़राब तो नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे चाणक्य से पूछा गया जहर क्या है, उसने कहा जहर कुछ नहीं है, कोई भी चीज़ जरूरत ज़्यादा खा लो जहर है, तो चीनी खा लो एक कुंटल मर जाओगे
ना, तो चीनी जहर तो नहीं है, लेकिन एक कुंटल चीनी खा लो तो जिंदा रहोगे, तो खत्म। तो कोई भी चीज अति करोगे तो जहर है, चाहे वो जो भी हो, इसे मतलब नहीं है। तो इसलिए एक सीमा के बाद वो आवश्यकता तुम्हारी आदत बन जाती। इसीलिए कभी कभी ऐसा भी करना चाहिए कि बॉडी को किसी चीज की आदत नहीं डालनी चाहिए। जैसे तुम सुबह अगर रोज एग्जैक्ट 7 बजे चाय पीने लगे, नियम बना करके ठीक 7 बजे, और तुम 10 दिन चाय पिए, तो 11वें दिन 7 बजे तुम्हारी शरीर क्या करेगी, वो फिर बेचैन हो जाएगी, अब उसको नशा की तरह से। इसलिए उसको क्या करो, कभी 6 बजे पिलाओ, कभी 7 बजे पिलाओ, कभी 9 बजे पिलाओ, वो जान ही ना पाए कब पाती है। हाँ सीरियसली, शरीर तुम्हारी जान ना पाए। सोने में कभी उसको 9 बजे सुलाओ, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 2-3 बजे सुला दो, तो नींद कभी नहीं आएगी। अब तुम 4-5 दिन लगातार 9 बजे सो जाओ, इस बार 6ठे दिन क्या होगा, और 9 बजे लगो गिरने, तुम जहाँ रहोगे वहीं। तो वो शरीर को उसकी आदत पड़ जाती है। इसलिए कभी भी कोई रूटीन, हालांकि ये भी अब गलत हो जाएगा, क्योंकि सब लोग कहते हैं रूटीन से रहना चाहिए, तो यह सबके सिद्धांत के खिलाफ हो जाएगा। लेकिन मैं सिद्धांत का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ, जो मुझे समझ में आया, जैसा मैंने जीवन जिया उसमें यह है कि कोई रूटीन नहीं है। जब जो मन करे, जब नींद लगे तब सो जाओ, चाहे वो रात को 3 बजे नींद लगे, चाहे शाम को 8 बजे नींद लग जाए, और जब भूख लगे तब खाओ। लोग टाइम से खाते हैं, 9 बज गया खाना खाओ, अबे गधे 9 बजे थोड़े खाओगे भाई, तो भूख से खाना खाओ ना, जब भूख लगे तो भूख जब लगे तब खाओ, 8 बजे लगे तो 8 बजे खा लो, थोड़े कोई टाइम फिक्स है 9 बजे तो 9 बजे खाओगे। लेकिन जब आप टाइम फिक्स कर देते हैं बॉडी को, तो फिर उसको इंतजार रहता है, बॉडी वेट करती है, अच्छा 7 बज गया अभी तक मेरी चाय नहीं आई। अब उसको पता ही नहीं है कि 7 बजे आती है, कि 8 बजे आती है, कि 9 बजे आती है, तो क्या वेट करेगी, वो भी निश्चिंत रहती है, चलो जब दोगे तो देखा जाएगा, नहीं दोगे तो नहीं दोगे। तो अब अपने ऊपर है कि कैसे आप बनाते हैं। वैसे हर व्यक्ति की जो फिजियोलॉजी अलग होती है, सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, सबकी बॉडी की नीड अलग अलग होती है, इसलिए कोई भी थियोरी जनरलाइज नहीं की जा सकती है। कोई आदमी मॉर्निंग वॉक करता है, इसलिए आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो ठीक नहीं है, क्योंकि आप दमा के पेशेंट हैं, गिर के मर जाएंगे। आप अपनी फिजिक देखिए ना, क्या सुबह इस जाड़े में उठकर मॉर्निंग वॉक करने के लायक है या नहीं है। इसलिए ये कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको खुद को एनालाइज करना चाहिए कि आप क्या करने के लायक हैं या नहीं है। अब इसके अलावा आवश्यकताओं की तीव्रता में भिन्नता होती है। कोई बहुत अर्जेंट है, आज कोई किताब खरीदना बिल्कुल अपरिहार्य है, किसी भी कीमत पर, कोई काम हो चाहे ना हो, किताब खरीदना है, तो ऐसे में हम अधिमान निर्धारित करते हैं, प्रेफरेंस तय करते हैं। तो थियरी ऑफ प्रेफरेंस किस पर बनी हुई है, आवश्यकताओं की तीव्रता में भिन्नता के आधार पर, कि सभी आवश्यकताएं एक तीव्रता की नहीं होती हैं। कोई बहुत ही कहते भाई ये काम बहुत जरूरी है, तो जरूरी काम क्या होता है, वो यही है कि वो बहुत तीव्र आवश्यकता है, बिना उसके काम नहीं चल रही है। तो इसलिए वो जो तीव्र आवश्यकताएँ हैं उन्हें हम पहले पूरा करते हैं, और जो कम तीव्र आवश्यकताएँ हैं उनको हम बाद में पूरा करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है, वर्तमान आवश्यकताओं की तीव्रता अधिक होती है भविष्य की तुलना में। अब देखो, ये देखो सिद्धांत है, ये कहता है कि वर्तमान की आवश्यकताएं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं भविष्य की तुलना में। लेकिन अब इसको अभी तुम कह सकते हो कि नहीं नहीं सर, हमारे लिए तो भविष्य बहुत ज़रूरी है। वास्तव में डिपेंड करता है नेचर व्यक्ति का कैसा है। अगर वो आशावादी प्रवृत्ति का है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भविष्य बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि वो मानकर चलते हैं कि भविष्य में सब अच्छा ही होगा, तो वो वर्तमान को अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करते हैं। दूसरी तरफ जो निराशावादी प्रकृति के लोग हैं, जो 24 घंटा इसमें व्यस्त हैं कि अगर कल हम गिर गए, मेरी टांग टूट गई तब क्या होगा, अगर हम फेल हो गए तब क्या होगा, अगर मेरा ये सामान खो गया तब क्या होगा, मेरे घर में चोरी हो गई तब क्या होगा, तो ये ऐसा आदमी हमेशा भविष्य के चक्कर में पड़ा रहता है और वर्तमान पर कम फोकस करता है, भविष्य पर ज़्यादा। जैसे घर से चलते समय तुम ही में से 2 विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी ने क्या किया, सुबह उठा तैयार हुआ, साइकिल लिया चल दिया, कॉलेज आया तब देखा अगर जेब में तो कोई पैसा ही नहीं है, अरे छोड़ो तो जरूरत ही क्या है पैसे की, पढ़ के शाम को चला जाएगा, 1 रुपया न लेकर आया न 1 रुपया खर्च किया। दूसरा जैसे ही घर से निकलेगा 5 कदम पर्स तुरंत देखेगा, अरे एक को पैसा नहीं, मान लो साइकिल पंचर हो गई तब क्या होगा, दौड़ के वापस आएगा, मम्मी 10 रुपया दो साइकिल पंचर हो गई तब क्या करेंगे, 10 रुपये। फिर थोड़ी दूर गया तो 10 रुपया लिए, मान लो मेरी टांग टूट गई रास्ते में तब क्या होगा, मम्मी 500 रुपया दो मान लो एक्सीडेंट हो गया तब क्या करेंगे। अब देखो सारा फोकस कहाँ उसका है,
भविष्य को लेकर के, तो भविष्य में कुछ होगा कि नहीं होगा ये तो भगवान जाने, लेकिन वर्तमान जरूर चौपट हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसलिए कहा जाता है कि विवेकपूर्ण प्राणी के लिए वर्तमान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भविष्य की तुलना में, और इसके आधार पर समय अधिमान सिद्धांत बनाया गया, टाइम प्रेफरेंस थियरी, कि जो वर्तमान की आवश्यकताएँ हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और भविष्य की आवश्यकताएँ कम इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि माइंड टू माइंड वेरी करता है, जैसे जैसा आपका माइंड सेट है वैसा है आपको उसका रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। बहुत सारे लोग होते हैं बहुत निश्चिंत होते हैं, कल के बारे में सोचते ही नहीं है, जो होगा होगा। बहुत सारे लोग कल के बारे में ही चिंतित रहते हैं, आज पर बहुत विचार नहीं करते हैं। लेकिन विवेकशीलता ये कहती है कि वर्तमान पर फोकस करो, भविष्य की चिंता मत करो, भविष्य अपने आप ठीक हो जाएगा। जैसे अभी तुम भी MA 1 में हो, ईमानदारी से केवल MA 1 करो तो MA 2 तो अपने आप ठीक हो जाएगा। तुम MA 2 की चिंता करो, MA 1 फेल हो गए तो MA 2 में पहुँचोगे ही नहीं, तो कहाँ से तुम्हारा भविष्य ठीक होगा। इसलिए जहाँ हो उसको सबसे अच्छा करो, आगे अपने आप अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो इसी का परिणाम होगा। कभी भी न तो भूतकाल का कोई मतलब होता है ना भविष्यकाल का, क्योंकि जो बीत चुका वो तुम्हारे बस में नहीं है, अब उसे तुम ठीक नहीं कर सकते, और जो आने वाला है वो भी तुम्हारे बस में नहीं है। तुम्हारे बस में क्या है? जो है एट प्रेजेंट तुम्हारे बस में है, तुम इसको जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करो, बाकी सब अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यही कल भूतकाल बनेगा और कल वाला यही प्रेजेंट बनेगा। वास्तव में दोनों का अस्तित्व नहीं है, न भूतकाल का अस्तित्व है और नहीं भविष्यकाल का अस्तित्व, अस्तित्व केवल प्रेजेंट का ही रहता है। इसलिए इसके अलावा देखो आवश्यकताओं का वर्गीकरण, आवश्यकताओं को हम 3 भागों में बांटते हैं, आवश्यक आवश्यकता, आरामदायक आवश्यकता और विलासिता की आवश्यकता। जो आवश्यक आवश्यकता है वो जीवन के लिए आवश्यक है, दक्षता के लिए आवश्यक है, सुविधा के लिए आवश्यक है, और जो विलासिता है ये जो जीवन के लिए आवश्यक है उसमें ये हार्मलेस हैं, दक्षता के लिए आवश्यक हैं। भाई जाहिर सी बात है कि अगर आप जो चीज़ें दक्षता के लिए जरूरी अगर नहीं है, जैसे कंप्यूटर है इफिशियंसी के लिए जरूरी, तुम्हारे तुमको नहीं आता है तो नुकसान करेगा, ये हार्मफुल है। और सुविधा के लिए जो हैं वो प्रोटेक्टिव हैं, अगर सुविधा के लिए तुम्हें कोई चीज़ जैसे AC लगा के दे दिया गया, कहा गया यहाँ बैठ के पढ़ो, तो ठीक है, गंदगी फंदगी नहीं रहेगी, साफ सुथरा रहेगा, अच्छा लगेगा पढ़ने में, थोड़ा हमारी पढ़ने की क्षमता क्या होगी, हाँ या तो बढ़ी या तो सो ही जाओगे ऐसा भी हो सकता है, लेकिन नियमता बढ़ जाएगी। अगर तुम्हारी पढ़ने की इच्छा है तो तुम बेहतर पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ अब देखो आवश्यकताओं का जो वर्गीकरण है 3 तरह से, आवश्यक, आरामदायक और विलासिता। ये वास्तव में सच पूछो तो कोई वस्तु ऐसी नहीं होती जिसको कहो कि ये आवश्यक है या ये आरामदायक है, ये विलासिता की है। परिस्थितियाँ ये तय करती हैं कि वह वस्तु कैसी है, आवश्यक है कि आरामदायक है कि विलासिता की। तुमको ये बहुत छोटा सा उदाहरण बताएं, बहुत स्पष्ट, जैसे कार है, कार किसी डॉक्टर के लिए उसकी अनिवार्य आवश्यकता है। एम्बुलेंस और आसान शब्दों में कहो तो क्या कहोगे? एम्बुलेंस कहोगे, क्योंकि डॉक्टर एक भी सेकेंड बिना एम्बुलेंस के, क्योंकि उसके यहाँ हाथ टूटा, पैर टूटा, सर कटा, ऐसे लोग आते हैं तो बिना गाड़ी के चल उसका काम नहीं चलेगा, तो उसके लिए अनिवार्य आवश्यकता है। चलो मैं गाड़ी खरीद लेता हूँ मान लो, तो मेरे लिए सिर्फ यह है कि मेरा आराम बढ़ जाएगा। अभी हम स्कूल घर से कॉलेज आते हैं तो गर्मी में धूप लग रही है, जाड़े में ठंड लग रही है, बारिश में भीग रहे हैं, तो स्कूटर से दिक्कत हो रही है, गाड़ी से आएंगे तो हमारा आराम थोड़ा बढ़ जाएगा। तो वही कार है जो डॉक्टर के लिए अनिवार्य है, वही कार है मेरे लिए कैसी है, आरामदायक है। लेकिन अगर वही कार विदेश खरीद ले मेरा प्यून, तो पता चले कि वो 15,000 तनख्वाह पाता है, 35,000 किस देता है, ये उसके लिए विलासिता है। ये क्या हो गई? उसके लिए न तो अनिवार्य है न उसको आराम ही देगा, दुखी भी रहेगा, वैसा नहीं है, लेकिन ये उसके लिए उसकी विलासिता, उसको दिखाना है देखो मैंने कार खरीद ली, उसके लिए वो प्रेस्टीज का सिंबल है, विलासिता का है, नियमतः उसको नहीं खरीदना चाहिए। तो कार इन इटसेल्फ कुछ नहीं है, न तो अनिवार्य है, न आरामदायक है, और न तो विलासिता है। जिसके पास है उसके हिसाब से तय होती है कि ये क्या है, ठीक है। तो आवश्यकताओं के वर्गीकरण को बहुत सारे तत्व प्रभावित करते हैं कि वो किस में जाएगा। जैसे व्यक्तिगत कारक हैं, आय नंबर 1 पर है,
जो मैंने भी आपको बताया, ये उदाहरण किसका था? आय का। आय अलग अलग होने पर भी ये तय होता है कि वो अनिवार्य है कि आरामदायक है या विलासिता की है। रुचि, जीवन स्तर, सामाजिक स्तर, आदत, पेशा। पेशा भी देखो, डॉक्टर है तो बहुत जरूरी है। जिस तरह से वस्तु से संबंधित कुछ कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, जैसे कीमत स्तर और वस्तु की इकाइयां, जाहिर सी बातें प्रभावित करेंगी। अन्य कारक में भौगोलिक दशाएं हैं, फैशन है, समय है, पर्यावरण है, बहुत सारे फैक्टर प्रभावित करते हैं कि वह वस्तु कैसी होगी। आवश्यकताओं के वर्गीकरण का आधार, हम उनको तीन आधारों पर अलग करते हैं, क्षमता के आधार पर, सुख के आधार पर, कीमत के आधार और मांग के आधार पर। जैसे आप जानते ही हैं कि या तो उनकी क्षमता के आधार पर हम अलग कर दें, या हम उनको सुख के आधार पर अलग कर दें, या हम उसको कीमत और मांग के आधार पर अलग कर दें। अगर हम क्षमता के आधार पर अलग करते हैं तब देखो क्या होगा कि क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षमता के आधार मतलब क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आवश्यकताओं का वर्ग है, अगर आवश्यकता है, बिल्कुल अनिवार्य है, बिना उसके आपका काम नहीं चल रहा है और आपको वह वस्तु मिल जाती है तो उपभोग करने पर आपकी क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, जैसे आपको किताब बहुत जरूरी थी पढ़ने के लिए और आपको नहीं मिल रही थी, अब मिल गई तो आपकी क्षमता क्या होगी? बढ़ेगी। विषय को जानने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी, क्षमता बढ़ेगी। और अगर उपभोग नहीं करते हो तो क्षमता घटेगी। किताब नहीं है, नहीं पढ़ कर आए, अब आज पूछेंगे तुम कुछ नहीं बताओगे तो क्षमता क्या होगी? घटेगी। आरामदायक वस्तु के संदर्भ में अगर कोई वस्तु है, अगर वो तुमको मिल जाती है तो क्षमता में कोई बहुत विशेष परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उपभोग नहीं करते हो क्षमता घटेगी। ये दुख रहता है, मेरे पास भी एसी रहा होता अगर, लग जाने पर बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन न लगने पर ये खलेगा कि यार है नहीं, उसके पास तो है। बहुत सारी चीज़ें हमको इसलिए दुख देती हैं क्योंकि उसके पास हैं, इसलिए नहीं कि हमको ज़रूरत है। जो रिलेटिव डिप्राइवेशन है जिसको आप कहते हैं, सापेक्षिक दरिद्रता जिसका नाम है, हम बहुत सारी चीज़ों से इसलिए नहीं दुखी हैं कि मेरे पास नहीं है, इसलिए ज़्यादा दुखी हैं क्योंकि पड़ोसी के पास है। और ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसीलिए कहते हैं कि आप सापेक्षिक रूप से हमेशा दरिद्र रहते हैं, क्योंकि कितना भी आपके पास हो जाए किसी न किसी के पास आपसे ज़्यादा रहेगा ही रहेगा। इसलिए बेहतर है कि आपको उस रेस में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास ज़्यादा होना इम्पोर्टेंट नहीं है, दुख तो इस बात का है कि दूसरे के पास बहुत ज़्यादा है। आप सबको पता नहीं ऐसा है कि नहीं है, लेकिन होगा सबको, मानव स्वभाव है, वो किसी का बहुत दोष इन्हीं सब पर काबू पाना ही तो वास्तव में कहा जा सकता है कि अच्छे व्यक्ति होने का लक्षण है। व्यक्ति सभी लोग हैं लेकिन अच्छा व्यक्ति कम है ना, तो वही अच्छा व्यक्ति बनने का प्रयास ही तो पढ़ाई लिखाई है। ये पढ़ाई लिखाई क्यों जरूरी है कि हर व्यक्ति व्यक्ति से अच्छा व्यक्ति बन जाए? अब ये अलग बात है कि हम लोग नहीं बन पाते ना। तो और विलासितापूर्ण आवश्यकताएं जो हैं, ये अगर आपको मिल गई तो अचानक अधिकतम सुख आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, नहीं क्षमता इससे ये सब कम करती हैं, हम लोग क्षमता पढ़ रहे थे, तो विलासितापूर्ण वस्तुएं क्षमता कम करती हैं, और अगर नहीं मिलती हैं तो क्षमता घट जाती है। ठीक है, इसके अलावा सुख के आधार पर आवश्यकता जो होती है, इसे सामान्य सुख प्राप्त होता है, अगर नहीं मिलती हैं तो असामान्य कष्ट होता है। ठीक है, आरामदायक आवश्यकताएं अत्यधिक सुख प्रदान करती हैं, नहीं मिलती हैं तो कम कष्ट होता है, बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं होता है। विलासितापूर्ण आवश्यकताएं अत्यधिक सुख प्राप्त कर होता है लेकिन दुख कोई नहीं होता है, मिले चाहे ना मिले। कीमत और मांग के आधार पर आवश्यकता क्या है, कीमत बढ़ने पर जो वस्तु बहुत अनिवार्य है, ऐसे समझो जो वस्तु बहुत अनिवार्य है उसकी कीमत कितनी भी बढ़े उसकी मांग घटती नहीं है। जैसे मान लो इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है, तुम डायबिटीज़ के पेशेंट हो तो एकदम अपरिहार्य है, नहीं लगाओगे तो मर जाओगे। तो ऐसे में अब इंसुलिन का इंजेक्शन कितना भी महंगा हो उसकी मांग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और अगर कीमत घटती है
तो उसकी मांग घटने पर मांग बदल जाती है, ठीक है। आरामदायक वस्तु है, कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है। अगर मान लो ठीक ठाक था, ऐसे ही सामान्य चीज़ें आरामदायक थी, तो कीमत ज़्यादा बढ़ेगी तो मांग क्या होगी, घट जाएगी। और कीमत, और इसके अलावा विलासितापूर्ण वस्तुओं पर कीमत बढ़ने पर मांग बहुत अधिक कम हो जाती है। जैसे आप ऐसे शौकिया कोई चीज़ खरीद रहे थे, अचानक आप दाम बढ़ गया तो आप क्या करेंगे, अरे छोड़ो इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, आप अनायास खरीद रहे थे, ठीक है। अब ये देखो, ये विभिन्न तरह की जो दोनों देखा कि आवश्यकताओं के प्रकार, उनको प्रभावित करने वाले कारक और आवश्यकताओं की विशेषताएं, इन सब के बाद एक प्रश्न उठता है, क्या विलासितापूर्ण वस्तुओं का उपभोग वांछनीय है, क्या उचित है? तुम बताओ, क्या विलासितापूर्ण वस्तुओं का उपभोग उचित है? हैं, देखो जीड के अनुसार विलासिताएं एक अनावश्यक आवश्यकताएं हैं। विलासितापूर्ण उपभोग के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। पहला, यह आविष्कारों की जननी है, यह जीवन स्तर में वृद्धि करती है, यह कला तथा कलाकारों के विकास में सहायक है, यह कार्य को प्रोत्साहन प्रदान करता है, समाज में आय और धन के समान वितरण में मदद करता है, भविष्य को सुरक्षा कवच प्रदान करता है, उपभोग से राज्य को आय प्राप्त होती है। परंतु विलासितापूर्ण वस्तु के उपभोग के विपक्ष में निम्न तर्क दिए जाते हैं। विलासितापूर्ण वस्तुओं का उपभोग वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देता है, इसका उपभोग क्षमता को कम करता है, यह आर्थिक विकास को अवरुद्ध करता है। देखो, विलासितापूर्ण वस्तुएं यूं कह सकते हो कि अनावश्यक वस्तुएं हैं। अगर संक्षेप में कहें तो उनके होने का भी कोई मतलब नहीं है और न होने का भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसी बहुत सारी अनावश्यक वस्तुएं हैं जिनमें हजारों करोड़ों लोगों की रोजी रोटी चल रही है। आप सिर्फ मेला लगा है ये बगल में बीआरपी में चले जाओ, देखो वहाँ चले जाओ तो वहाँ इतनी सारी फालतू चीज़ें भी मिल रही हैं, कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो सब बिक रही हैं, सब खरीद रहे हैं। कोई ले जाकर ड्राइंग रूम में सजा दे रहा है, कोई ले जाकर दरवाजे सजा दे रहा है, कोई ले जाकर किचन सजा दे रहा है। तो इससे इन विलासिता वाली वस्तुओं से कितने लोगों का रोजगार, रोजी रोटी और नई नई चीज़ों को पैदा करने या आविष्कार करने की इच्छा, भाई ये विलासिता ही थी कि लोगों ने स्कूटर से कार, कार से हवाई जहाज से रॉकेट, और अब मंगल ग्रह पर बसने का इंतजाम विलासिता ही है, इसी कोई अनिवार्यता नहीं है। लेकिन इसने कितने तरह की तकनीकी विकास को जन्म दिया। बहुत सारा अंतरिक्ष का विज्ञान देखो, चाहे तुम साइंस देखो, चाहे टेक्नोलॉजी देखो, चाहे कंप्यूटर देखो, इन सब का विकास अगर ईमानदारी से देखो तो कैसे हुआ, ये विलासिता को के ही कारण हुआ। अगर सब कुछ जरूरी चीज़ों के लिए हुआ होता तो जरूरत तो थी ही नहीं। तो इसलिए जो विलासिता की वस्तुएं हैं, यह इनका उपभोग इसलिए वांछनीय है क्योंकि ये बहुत तरीके से समाज की मदद भी करते हैं। आप इतनी बढ़िया बढ़िया पेंटिंग बनाते हैं, पेंटिंग 3 करोड़ की पेंटिंग, वो 3 करोड़ की पेंटिंग आपकी समझ में नहीं आएगी इसमें बना क्या है, तो कोई विलासिता में खरीद लेता है तो कम से कम ये तो है ना कि वो कलाकार का सम्मान करता है, कला का सम्मान करता है। अगर आप पेंटिंग की गैलरी में चले जाइए और वहाँ सोचिए कि अच्छी खरीदेंगे तो क्या मेरी इनकम बढ़ेगी, इससे क्या लाभ होगा, ये हमारे लिए इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, दीवार तो सादी ज़्यादा अच्छी लग रही है, कोई पेंटिंग बिकेगी? वो बिकती ही इसलिए है कि आदमी उसमें अनायास कोई न कोई कला देखता है। तो विलासिता, इसलिए विलासिता की वस्तुएं जरूरी हैं क्योंकि वो बहुत तरह से आर्थिक विकास की गतिविधियों को प्रभावित भी करती हैं, तमाम आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती हैं, तमाम लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं, तमाम तरह के नए नए आविष्कार को जन्म देती हैं, ठीक है, तकनीकी क्षेत्र में तमाम तरह का परिवर्तन करती हैं, ज्ञान का विस्तार करती हैं। इसलिए कुल मिलाकर के विलासिता की वस्तुएं समाज में जरूरी हैं, होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये आवश्यकता
उसका उसकी विशेषताएं वर्गीकरण और उसको प्रभावित करने वाले कारक, इतना सारा हम लोगों ने पढ़ा। इस बार हम लोग कल उपयोगिता विश्लेषण का गणनावाचक दृष्टिकोण पढ़ कराना कल पढ़ेंगे।